दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अपनी जो पहली अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है इसमें जो पुलिस विभाग में 7000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। मतलब क्या आपने देखा होगा कि जितने भी ड्राइवर होते हैं वो इसके अंतर्गत शुरू हो रही पुलिस विभाग के अंतर्गत। यहाँ पर लिखा हुआ पुलिस विभाग में जो है आरक्षी चालक के करीब 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है कवायद शुरू हो गई है। कहने मतलब कि शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो है DIG लॉजिस्टिक ने निर्धारित जो है पत्र पर जो इच्छुक आरक्षक का ब्यौरा भी भेज दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है होम गार्ड जो है चला रहे हैं वाहन आरक्षियों के। तो सीधी सी बात यही है कि इसमें बता रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं होम गार्ड जो चला रहे हैं जो हैं पुलिस विभाग में, जितने भी जो पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं ऐसे चालकों की कमी है। इसकी वजह से अक्सर जो थाने की गाड़ियों को जो बुलाने के लिए जो है निजी चालक बुलाए जाते थे, तो कई बार उन्होंने सख्त आदेश कर दिए गए कि यहाँ पर चालकों की भर्ती की जाएगी पुलिस विभाग के अंतर्गत। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस विभाग में 7000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। यहाँ पे देख लीजिए 32 वर्ष से अधिक ना हो आयु जो है 18 से 32 वर्ष मांगते हैं और चश्मा नहीं लगाने होने चाहिए, क्योंकि चश्मा लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा गाड़ी वाड़ी चलाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है उन्होंने बता दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो BSF में जो 10% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। यहाँ पर बात हो रही है इसमें जो केंद्र सरकार ने जो है जारी की अधिसूचना, यहाँ पर अग्निवीरों की भर्ती चल रही है यहाँ पर जो है फौज के अंतर्गत। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने बताया गया कि जो है पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को जो है इसमें जो के लिए बताया गया 10% इसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पर इसमें दिखा रहे हैं कि ITI पर बोनस अंक, क्या मतलब सेना मुख्यालय ने जो है UP के जिलों की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो है तारीख 15 से बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई है। अब जो है भर्ती प्रक्रिया जो है ITI कोर्स करने वाले युवाओं के लिए 50% अंक की बोनस, क्या मतलब 50% जो है उसमें अंक आपको बढ़कर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D 70% जो 70.44% ने दी परीक्षा। बात हो रही है इस समय जो है SSC कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की परीक्षा में 70% अभ्यर्थी शामिल हुए थे और SSC ने के आधिकारिक मुताबिक जो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है कम से कम 67.8, कहना मतलब क्या है कि 70.44% अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि नगर विकास मंत्री AK शर्मा बोले कि जो हैं बोल रहे हैं कि जो हैं कि अप्रैल और मई में हो सकते हैं चुनाव, निकाय चुनाव जो है आयोग की सिफारिशों को मंजूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी, यहाँ पर बताया गया स्थानीय निकाय चुनाव जो हैं बहुत जल्द कराने की तैयारी है। उन्होंने कहा है कि जो इसमें जो है बहुत जल्द जो है चुनाव रखे जाएंगे यहाँ पर। ये अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं CUET UG के लिए अब जो है 30 तक आवेदन, केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम दाखिले के लिए जो है होने वाले CUET की जो UG की परीक्षा के लिए 30 मार्च तक इसमें आवेदन लिए जा सकते तो कर सकते हैं इसमें आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30 मार्च इसमें जो आवेदन की तिथि रखी गई है। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है 18 केंद्रों की जो रद्द नर्सिंग परीक्षा आज कराई जाएगी। तो बात हो रही है इसमें जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान की जो नर्सिंग भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई थी तो आज शनिवार को दोपहर 12 बजे इसमें कराई जाएगी, 33 सेंटरों पर होगी और यहाँ पर लिखा हुआ लोहिया संस्थान नर्सिंग भर्ती परीक्षा निरस्त हुई परीक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कराई गई थी जो परीक्षा वो आज होगी। नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्टफोन AC और फ्रिज की कीमतें जो 4000 रुपये तक घटी, 3 साल में पहली बार सस्ते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रिज है AC है स्मार्टफोन है 4000 रुपये जो है सस्ते हो चुके हैं। तो सीधी सी बात ये 4000 रुपये सस्ते फ़ोन कर दिए, 20000 रुपये का फ़ोन जो 4000 रुपये कम कर दिए 15000 का इसमें मिल रहा है ये। नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं महिला आरक्षण के लिए जो 10 विपक्षी दलों का प्रदर्शन शुरू। अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, अग्निवीरों को जो BSF की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। लोक सेवा आयोग की अति महत्वपूर्ण सूचना देख सकते हैं यहाँ पर बताया है, खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2022 ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी, यहाँ पर इनके जो हैं वो अंक निर्धारित कर दिए गए, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहने का मकसद यह है कि यहाँ पर जो खान निरीक्षक की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उनके जो अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी निरस्त कर दिए गए, जो फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इधर रखी, देख लीजिए आप कहीं आपका फॉर्म ना हो इसके अंतर्गत। बात करते हैं अब जो है नए शिक्षा सेवा आयोग की जो इसमें जो है पाइपलाइन में भर्ती ठप, कहना मतलब यह है कि TGT PGT को यहाँ पे हम जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसमें लिखा हुआ है कि जो है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में
इसमें TGT PGT बाबू चपरासी सब भर्ती जो है फंस चुकी हैं। और यहाँ पे लिखा गया इसमें जो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत जो है इंटर कॉलेज में जो है 4,163 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, अभी तक तिथि घोषित नहीं की गई है। बेसिक है चाहे आप उच्चतर हैं, ये सब जो है मौन पड़े हुए हैं, सब जो लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों ने सदस्य की नियुक्ति जल्द करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द विज्ञापन घोषित करने के लिए, चाहे आपका जो है चाहे आपका चपरासी भर्ती का हुआ है या आपका बाबू भर्ती का हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटो हस्ताक्षर जो है अपडेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके यहाँ पे फोटो और हस्ताक्षर अपडेट करने को लिंक जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग से खबर है यहाँ पे आप, ठीक है। तो सीधी सी बात ये, TGT PGT हो या फिर प्योन हो या फिर कोई सी वैकेंसी हो, लाखों फार्म इसमें पड़े हुए हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर उन्होंने कहा है कि सर एक बात बताइए, सर सुनने में आया है कि प्रयागराज में चपरासी सरकारी भर्ती हो रही है क्या? वो भर्ती वो वाली नहीं हो रही है, जो माध्यमिक परिषद की तरफ से जो भर्ती निकाली गई थी चपरासी, वो भर्ती इसके अंतर्गत हो रही है। शिवम तिवारी जी, देखो यहाँ पर जो मैं बताऊँ, प्रयागराज में भर्ती चल रही है वो केवल और केवल जो है वही चल रही है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो प्योन वैकेंसी निकाली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट पर 9,500 रुपये सैलरी मिलेगी, वही भर्ती इस समय निकाली गई है, ठीक है। उससे पहले कोई अपडेट नहीं आई हो, ठीक है। अगर अपडेट मैं पल पल के इन्फॉर्मेशन में आपको देता रहता हूं, तो सीधी सी बात यही है कि मुझसे इन्फॉर्मेशन आप तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी तक जो है कोई चपरासी भर्ती वैसी नहीं आई है। अभी तो सुनने में यही आया है कि मार्च के लास्ट तक जो है चपरासी भर्ती पूरी तरीके से आने वाली है, ठीक है। तो सीधी सी बात ही, अभी जो आयोग में अभी जो है आयोग में अभी काम चल रहा है, तो आयोग में काम चल रहा है, तो अब देखो नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से अगर विज्ञापन निकाला जाता है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो सीधी सी बात, तैयार रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है पल पल की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं ही लेकर आता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया इसमें जो है सर सुनने में आया कि चपरासी भर्ती होगी या नहीं होगी, तो सीधी सी बात है ये जो है नई शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, चाहे आपका चाहे TGT PGT 2023 की नई भर्ती का हो या आपका प्योन वैकेंसी का हो। लगातार इन्फॉर्मेशन में बनाए रख रहा हूँ आयोग की तरफ से जो है, इस समय आपको आवाज़ आ रही होंगी ट्रक पे रोड पे, मैं भी इस समय जो हूँ वहीं घूम रहा हूँ, ठीक है, प्रयागराज के आसपास में। इन्फॉर्मेशन लगातार जो हूँ इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, तो सीधी सी बात यही है कि मैं लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आती हैं भर्तियाँ तो नई इसी आयोग से कराने की तैयारी है, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है पाइपलाइन में, और जो भर्तियाँ ठप हो चुकी हैं, तो कहना मतलब अभी जो है अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन यही थी कि आवेदन के इसमें आवेदन तो लिए गए थे, लिखा हुआ कि आवेदन के बावजूद चयन बोर्ड को नहीं मिले सदस्य, भर्ती विज्ञापन के 7 माह बाद भी परीक्षा तिथि नहीं घोषित की गई है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भर्ती है, आपके हाथ से निकल ना जाए, कोई सूचना है आपके हाथ से छूट ना जाए, इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई आपको कोई पल पल की इन्फॉर्मेशन जो आयोग की तरफ से और जो है सदस्यों की तरफ से मिलती रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।